कैसे हैं सब। उम्मीद है आप लोग को पहला पार्ट पसंद आया होगा, इसीलिए आए ना यहाँ तक। बहुत वक्त और मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सुपरस्टिशंस का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं, आगे आते हैं जी हम झाड़ू की तरफ, जिस पे भी सरप्राइजिंगली अच्छा खासा मटेरियल मौजूद है। गलती से झाड़ू लग गया तो तबीयत खराब हो सकती है या मुंह पे दाने। झाड़ू से वेदर कंट्रोल भी हो सकता है। अगर आपके पास बारिश करवाने के लिए शादी की देख अवेलेबल नहीं है तो बूढ़े से झाड़ू खा लें, बरसात हो जाएगी। और अगर डस्ट स्टॉर्म आ रहा हो तो झाड़ू चारपाई के नीचे रख दें, वो नहीं आएगा। फिर कहते हैं जी कि झाड़ू मारने से बंदा कमजोर हो जाता है। जाहिर सी बात है, किसी पे झाड़ू का जुल्म करोगे तो वो तंदुरुस्त तो होने से रहा। झाड़ू लगाना भी नाखून काटने की तरह टाइम से है, मगरिब से पहले पहले। अगर शाम में लगाया तो घर से कामयाबी चले जाती है कि जी सलाम अलैकुम मैं जा रही हूँ, बोला था ये सब मुझसे टॉलरेट नहीं होता, ये कोई टाइम है झाड़ू लगाने का। और अगर रात को लगाया तो कामयाबी समेत बरकत भी कल्टी दोनों करीम करवा के फरार। नेक्स्ट कैटेगरी है उन सुपरस्टिशंस की जिनका ताल्लुक जिस्म या जिस्म के किसी हिस्से से है। टोटल 35 सबमिशन आए। एक रिश्ता आंटी की तरह ऊपर से शुरू करते नीचे आते हैं। सर किसी से गलती से टकरा जाए तो वापस टकराना, वरना कुत्ता काट लेगा। ये एक अजीब सी कश्मकश है कि जी वैसे ही सर टकरने पे थोड़ा दर्द तो होगा ही, लेकिन इसके आगे आपके पास दो ऑप्शन है कि फिर से टक्कर खा लो और थोड़ा सा दर्द सह लो, या फिर ज्यादा दर्द कुत्ते से कटवा के। लेकिन अगर आपके सर पे कोई टक्कर मार के निकल जाए और आप उसके पीछे निकलें कि भाई फिर से टक्कर मार लो, और इस दौरान आपके पीछे कुत्ता लग जाए, तो ये बड़ा पेचीदा मामला है भाई। अब से मैं सिर्फ हेलमेट पहन के घर से निकलूंगा। आंखों पे आ जाए, आंख सीधी फड़के तो अच्छा है, पैसा भी आ सकता है और उल्टी तो बुरा। और इफ यू क्राई टू मच यू विल रन आउट ऑफ टीयर्स एंड ड्राई अप योर आईज फॉरएवर। मतलब कि आंखें सूखी रह जाएंगी इंजीनियर लड़कों की तरह। अगर छींक आए तो कोई याद कर रहा है, ये बात हिचकियों के बारे में भी कही जाती है। मैं तो कहता हूं टेक्नोलॉजी का इतना दौर है, कॉलर आईडी के साथ होना चाहिए कि भाई याद कर कौन रहा है। पैसे और हाथ का भी ताल्लुक है। हथेली पे तिल होने का मतलब आप अमीर हैं, या हाथ में खुजली हो तो पैसा आने वाला है, या फिर आप किसी की कुट लगाने वाले हैं और उसका पैसा छीन लेंगे। अगला सुपरस्टिशन वाकई बहुत भयानक है कि भाई अगर आप मेंढक का कत्ल करते हैं तो आपको बगलों का कैंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहीं सुनी बात है और किसी के तजर्बे पे बेस्ड नहीं है। यह नहीं कह रहा कि कोई भी कैंसर अच्छा होता है, लेकिन बकलों का कैंसर कहते हुए ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है। और नीचे चलते हैं पेट की तरफ। च्यूइंग गम निगलने से पेट में दरख्त उग जाता है। दरख्त किसी के पेट से निकले तो नहीं देखा, अलबत्ता अगर थोड़ा नीचे जाएं तो हाँ अक्सर निकला होता है। अगला है खाने के बाद पेट पे हाथ ना लगाओ, पेट बाहर आ जाएगा। ये एक और ऐसी बात लग रही है जो शायद पेट पे तो नहीं अप्लाई होती लेकिन कहीं और होती है। और फिर पेट पे तिल मींस भूखा। रियल एस्टेट में जैसे कहते हैं के लोकेशन लोकेशन लोकेशन, तो वैसे ही तिल की भी लोकेशन मैटर करती है। अगर हथेली पे तिल हो तो आप बा इज्जत अमीर समझे जाते हैं, लेकिन अगर तिल पेट पे हो तो आप जलील भूखे की छाप लग जाती है। फिर थोड़ा आ जाए शर्मगाहों की तरफ। डोंट स्लीप इन द सुपाइन पोजीशन वरना ट्रक उलट जाएगा। मतलब के उल्टा ना लेटे वरना ऑटो पे समझ तो गए होंगे आप। ठीक है जी, फिर है कि जी खड़े होके पिछी ना करो। लड़के तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन खैर पाकिस्तानी मर्द अगर बैठ के भी कर लें तो मसला नहीं होगा। और एक और है कि लड़के खट्टा खाएं तो नोनो छोटी रह जाती है। पता नहीं यार, ईमानदारी से बताऊं तो इतना खट्टा तो नहीं खाया, बैठ के पीछे भी हो जाती है। पैर और टांगों पे भी दो मजे के आइटम हैं। कहते हैं कि बड़ा पाउंग जाहिल का होता है। काफी रूट बात है ये। बड़े पैर वालों के वैसे ही इतने मसले होते हैं, पसंद का जूता नहीं मिलता, बिस्तर या मेज से पैर लगने का ज्यादा चांस होता है, और इसके ऊपर वो जाहिल भी हैं, ये तो फेयर नहीं है यार। अगला बहुत डार्क है। टांग हिलाओ अम्मा मरवाओ, ये कैसी बात है यार। तोबा, बगलों के कैंसर की तरह इससे भी बड़ा इनकम्फर्टेबल हुआ। और फिर है जी कुछ हाइट और रंगत से रिलेटेड। नांग के आने से छोटी हाइट का ताल्लुक तो हमने सुना ही है। लंबे होने के लिए है कि बेलन पे खड़े होने से कद लंबा होता है। अब पता नहीं इससे लंबे होते हैं कि नहीं, लेकिन चोट लगने का काफी ज्यादा चांस है। एक तो गिरने से और दूसरा अम्मा की हटने के बाद बेलन से पिटने से, कि क्या इससे तो रोटियां बनती हैं, अपने बड़े जाहिल वाले पांव लेके गंदे कर रहे हो। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि आप लकी रानी सर्कस में भर्ती हो जाएंगे। और रंगत से रिलेटेड एक अजीब सी बात, दूसरे के ऊपर थूकने से उसके चेहरे पर व्हाइट स्पॉट
स्पॉट्स आ जाते हैं। ये हरकत को एक कहावत क्यों बनाना पड़ा इस पे जरा सोचें। दूसरे के मुंह पे थूकना कोई अच्छी एक्टिविटी तो नहीं है ना कि इनकरेज की जाए, वैसे ही नहीं करना चाहिए आपको। कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा था ये कि एक सुपरस्टिशन बनाना पड़ गया कि सफेद धब्बों के खौफ से वो एक दूसरे पे थूकने से गुरेज करें। और आखिरी कैटेगरी है कुछ बड़े स्पेसिफिक और यूनिक सर्कमस्टेंसेस से जुड़ी हुई। मैं अगर रोटी बना रही हूँ और वो किसी और ने पलट दी तो घर में लड़ाई हो जाएगी। अगर घर में कैंची ना अवेलेबल हो और भाई बेलन से कद लंबा करने में ना लगा हो तो आप एक थर्ड पार्टी से रोटी पलटवा लें, इस सूरत में अम्मा अब्बा की लड़ाई हो जाएगी। और यही चीज घर में मिर्ची का प्लांट लगाने से भी गालिबन अकम्प्लिश हो सकती है। सूरज गिरन में प्रेग्नेंट वुमन को सीधा लेटाओ और नाइफ स्लैश सीजर दूर रखो वरना बच्चे के होंठ कटे पाओ। मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो तजर्बे से तो नहीं बता सकता, लेकिन प्रेग्नेंट वुमन सीधा ही लेटेगी ना यार, पेट के बल तो नहीं लेटेगी कि मैंने हिप हॉप डांसर या लट्टू की तरह स्पिन करना है। और जब वो इस मुश्किल पोजीशन में होगी तो उसके माइंड में आखिरी चीज हुई होगी कि यार मुझे कुछ नाइफ सीजर दे दो, मैंने किसी का काटना है। टीचर की चेयर पे मत बैठना, फेल हो जाओगे। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर आप टीचर की चेयर पे जाके बैठ जाओगे तो टीचर ने तो भी नहीं होना है ना कि भाई चल निकल यहां से, शार्ट हो, तेरे को फेल करती हूं मैं। और इसी तरह आखिरी सुपरस्टिशन पे आ जाते हैं जो कि है कि खान साहब तब्दीली लाएंगे। तो ये थे जी देसी सुपरस्टिशंस। जितने लोगों ने कमेंट किया आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा वीडियोस में भी मैं आप लोग के कमेंट्स और ख्यालात शामिल करूंगा। इस टॉपिक को अब वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वक्त मिले, घर में लड़ाई ना चल रही हो या अगर आपको कोई बड़े पांव वाला जाहिल तंग ना कर रहा हो।